बच्चा रात में, प्लीज भगवान आप मुझे एक साइकिल दे दो, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास साइकिल है। और वह सो गया। अगले दिन वह उठा तो उसे साइकिल नहीं मिली। उसे गुस्सा आ गया। तब उसने गणेश जी की छोटी मूर्ति उठाई और शंकर भगवान से बोला, अगर बच्चा चाहिए तो शाम को 4 बजे साइकिल लेकर मंदिर के पीछे आ जाना। अभी आपने जो वीडियो देखा, कुछ इसी प्रकार के वीडियोज आप अपने मोबाइल फोन की मदद से सिंपल तरीका से और सब कुछ फ्री में क्रिएट करना सीख सकते हो। चाहे आप किसी भी तरह के फनी वीडियो, इमोशनल या फिर मोटिवेशनल वीडियो क्यों ना हो, आप अपने मोबाइल फोन की मदद से सब कुछ इजी तरीका से कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ और आपको क्रिएट करना सिखाने वाला हूँ। और आप जब सीख जाएंगे तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे अपलोड करके खुद अर्निंग करना सीख जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में कैसे क्रिएट करना है सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक वॉच करना। आप दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे आना, यहाँ पे आपको बहुत सारी कहानी स्टोरी मिलेगा। यहाँ दोस्तों मान लीजिए आपको चाहिए फनी, यहाँ पे आपको फनी, यहाँ से फनी शॉर्ट्स कहानी लिखेगा इन हिंदी, तो आपको बहुत सारे फनी शॉर्ट्स कहानी मिल जाएंगे। अगर आपको दोस्तों मोटिवेशन चाहिए तो यहाँ पे आपको फनी को हटा देना है, फनी की जगह पे आपको यहाँ पे मोटिवेशनल आपको यहाँ पे शॉर्ट्स कहानी इन हिंदी को आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे जैसे लिखेंगे आपको जो चाहिए मोटिवेशन, फनी या फिर इमोशनल, आपको यहाँ पे सर्च करना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से मैं फनी वाले को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ से मोटिवेशनल को हटा देता हूँ और यहाँ से मैं लिखता हूँ फनी। ओके, मैं आप देखिए तो फनी लिखूंगा, यहाँ पे फनी शॉर्ट्स कहानी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आप देखिए बहुत सारे यहाँ पे आपको पेज मिलेगा जो कि फनी कहानी वीडियोज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आप पेज को यहाँ से ओपन करता हूँ, जैसे देखिए मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, उसके बाद देखिए हमें बहुत सारे आपको देखिए शॉर्ट्स क्लिप मिल जाएगा जो आपको पसंद। आप जो क्या करना मर्जी, मान लीजिए मैं यहाँ से इसको लेता हूँ तो मैं यहाँ से इसको इस तरह से कॉपी करना, इस प्रकार से आपको कॉपी जैसे ही कर लोगे तो यहाँ से सबसे पहले आपको कॉपी करना है। कहानी को कॉपी कर लेने के बाद यहाँ से आप करना है क्रोम ब्राउजर पर, यहाँ पर आपको लिखना है लेक्सिका। ओके, यहाँ पर जैसे लेक्सिका लिखती है इस प्रकार की जो फर्स्ट वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक करना होता है, इस प्रकार से आपको क्लिक कर लेना। आप दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कहानी, यहाँ पे आपको कहानी में देख के एक बार गड्ढे, बड़े गड्ढे में शेर गिरिया, इस प्रकार से शेर का जिक्र किया तो आपको शेर का इमेज चाहिए। तो यहाँ से अगर आपको लेक्सिका माना, लेक्सिका बहुत ही बेस्ट एआई को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ से लेक्सिका में लाइन लिखूंगा, देखिए यहाँ पे जैसे आप लिखते हो लाइन तो आपको यहाँ पे देखिए शेर का बहुत ही बेस्ट एआई इमेज मिलेगा जिसका यूज अपने वीडियो में करेंगे, कितना अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या करना है, अब यहाँ से आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शेयर वाले पर क्लिक करके इसका इमेज को आपको डाउनलोड कर लेना होता है, इस प्रकार से आपको शेयर का इमेज को डाउनलोड कर लेना है। देखिए बहुत सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो आपको पसंद आएगा, देखिए यहाँ पे जो पसंद आएगा उसको यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना, इस प्रकार से देखिए बहुत सारे हैं तो आपको यहाँ से इमेज मिलेगा, बस आपको यहाँ पे इसका नाम लिख के यहाँ पे आपको सर्च करना। ओके, यहाँ से चलिए मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, मुझे शेयर का 2-3 इमेज मैंने यहाँ से डाउनलोड किया। उसके बाद आपको देखना नेक्स्ट क्या कहता है। आप देखिए तभी गड्ढे के पास पेड़ पे बैठा एक बंदर मजाक उड़ रहा था, उस प्रकार से आपको अभी यहाँ बंदर का फिर जिक्र किया तो आप यहाँ से आपको बंदर का इमेज चाहिए। तो यहाँ क्या करना, फिर आपको आना है यहाँ पे लेक्सिका में आना, यहाँ पे लेक्सिका में आना, यहाँ पे लेक्सिका में आने के बाद आपको बैक करना, यहाँ पे आप यहाँ से आपको मंकी लिख के यहाँ पे सर्च कर देखिए, आपको बहुत सारे यहाँ देखिए बंदर का इमेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देखिए यहाँ से आपको क्या करना, सबसे पहले देख लेना आपको जो अच्छा लगे, इमेज बहुत सारा है तो आपको जो पसंद यहाँ पे लेना। चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ से इसको भी क्लिक करके मैं यहाँ पे इसको भी डाउनलोड कर दिया। इस प्रकार से देखिए मैंने बंकी का भी यहाँ से इमेज को डाउनलोड करा, इसी प्रकार से आपको जितने भी इमेज चाहिए सबको पढ़ के डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ से इमेज को डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ से आपको आना है गूगल पे, यहाँ पे आपको इस तरह 11 लैब दिख रहा है, यहाँ से जैसे 11 लैब दिखती अब देखिए इससे आपको वॉइस को जनरेट करना है एआई वॉइस। अब देखिए मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ, अब देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जिसके फोन में वर्क नहीं करता, तो भाई मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपके फोन में कैसे 11 लैब वर्क करेगा, किस प्रकार से सॉल्व होगा, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ, आप वहाँ से देख लेना। और दोस्तों आपका फ्री में दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, फ्री में वॉइस को क्रिएट करना सीखोगे। से पहले से भी देखिए वॉइस मैंने बहुत सारे क्रिएट किया हूँ और आप भी क्रिएट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। सबसे पहले जो वॉइस है इस वॉइस को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। यहाँ पे जो कॉपी कहते हैं यहाँ से आपको पेस्ट कर देना, देखिए यहाँ से जिसे पेस्ट करते हैं यहाँ से आपको एडम बालक को सेलेक्ट करना, बहुत ही बेस्ट वॉइस देता है, इसी से बहुत सारे लोग क्रिएट करते हैं और बहुत सारे हैं जिससे आप क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे जनरेट बारे पे जैसे क्लिक करता हूँ देखिए आपको कितना बेस्ट क्वालिटी को वॉइस जनरेट करके आपको दे देगा। यहाँ पे देखिए आप, एक बार एक बड़े गड्ढे में एक शेर गिर गया, तभी गड्ढे के पास वाले पेड़ पर बैठा बंदर उसका मजाक बनाने लगा। बंदर, क्यों शेर, तू तो बड़ा राजा बना फिरता है, अब आ गई अकल ठिकाने। ये बोलकर बंदर जोर जोर से हंसने लगा। तभी जिस डाल पर वो बैठा था वह टूट गई और बंदर गड्ढे में जा गिरा और गिरते ही बोला, माँ कसम माफी मांगने के लिए कूदा हूं,
तो कुछ इस प्रकार से आपको कितना अच्छा वॉइस देखने को मिलता है। इसी प्रकार से आप फ्री में वॉइस जनरेट कर सकते हो। अगर आप में नहीं होता है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप एक बार वॉच कीजिए, आपका 100% होगा। दोस्तों यहाँ से एडिटिंग करने मैं काइंड मास्टर को ओपन करता हूँ। आप कोई भी एप्लीकेशन एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। आप कहते हैं कि मैं यूट्यूब की शॉर्ट्स को लेकर यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। आप दोस्तों विदाउट वाटर मार्क काइंड मास्टर कैसे डाउनलोड करनी है ये जानिए तो वीडियो तो हमारे टेलीग्राम पे जाए, मैंने टेलीग्राम पे बता दिया हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप देखिए जो डाउनलोड की थी इमेज को, अब यहाँ आपको दो तीन इमेज को यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर लेना जो आपको पसंद आएगा। बारी बारी के सबको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं यहाँ सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ इमेज दो तीन को, देखिए। अब उसके बाद क्या करें दोस्तों, इमेज को सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए इमेज को अच्छे से आपको एडजस्ट करना होगा। तो क्या करना, इस पर पैनल जो पे क्लिक करना। अब इस प्रकार से आपको हल्का देखिए इस प्रकार से आपको आगे जूम कर दोगे, एक ही टर्म को जूम कर देना। अब इस प्रकार से इस पर क्लिक करोगे, इस पर भी आपको हल्का देखिए क्या करना, पैनल जूम इस तरह से आपको हल्का इस तरह से जूम कर दोगे। अब देखिए कोई ऐसा पार्ट है जिसको आपको काफ़ी जूम कर देना है ताकि देखिए कितना अच्छा देखिए एनिमेशन करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से आपको एनिमेशन करते हुए देखने को मिलता है। क्या करना, इसी प्रकार से आपको इस पर क्लिक करना। इसी प्रकार से आपको बारी बारी कैसे सबको एक टर्म को आपको अधिक जूम करना, एक टर्म को आपको थोड़ा करना। इस प्रकार देखिए मैं इसको हल्का ही करूँगा, देखिए इस प्रकार से हल्का करूँगा और इसको देखिए मैं यहाँ से पूरा कर दूंगा। देखिए इस प्रकार से आपको पूरा कर देना है। देखिए किस प्रकार से देखिए कितना अच्छा देखिए आपको एनिमेशन देखने को मिलता है। इस प्रकार से आप इमेज में एनिमेशन को लगाओगे तो बहुत ही अच्छा आपको बेस्ट लगेगा। फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कोई ऐसा टर्म है जिसको देखिए मैं यहाँ से कम करता हूँ, इस टर्म को मैं यहाँ से पूरे कर दूँ। देखिए इस प्रकार से पूरे कर देना। अब देखिए कितना अच्छा देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, देखिए एनिमेशन करते हुए देखने को मिलता है। इसके बाद आपको लेयर पे जाए, ऑडियो पे जाना है। ऑडियो पे जाने के बाद आप डाउनलोड किए थे वॉइस को, इसको यहाँ देखिए ऐड करना है। अब देखिए जैसे वॉइस को यहाँ पे ऐड कर ले तो आप देखिए वॉइस को अकॉर्डिंग आपको अपने इमेज को एडजस्ट करना। अब चलिए मैं यहाँ से वॉइस को सुन लेता हूँ और अपने इमेज को यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। ये देखिए एक बार एक बड़े गड्ढे में एक शेर गिर गया। यहाँ तक फर्स्ट होता है, क्या करना, फिर इस पर क्लिक करना। यहाँ से आपको हल्के यहाँ से इस तरह से कर दोगे। कर देने के बाद अब मैं था देखा था आपका कितना अच्छा देखने को मिलता है। ये देखिए एक बार एक बड़े गड्ढे में एक शेर गिर गया। इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, अब जो आपने नोट में या फिर किसी फोन मोबाइल फोन के नोट में आपने जो कॉपी को पेस्ट किया था, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब देखिए मैंने यहाँ से कहानी को नोट में रखा होती, क्या करना, यहाँ जो फर्स्ट वाली लाइन है यहाँ से आपको ऑटो कैप्शन लगाना है। यहाँ से इसको फर्स्ट वाली जो लाइन है इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना। देखिए इस प्रकार से कॉपी कर लोगे, फिर आपको काइंड मास्टर में आना है। देखिए इस प्रकार से आपको काइंड मास्टर में आओगे, देखिए कितना अच्छा, देखिए यहाँ से आपको ऑटो कैप्शन भी लग जाएगा। साथ ही साथ आपको फिर लेयर पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना। इस प्रकार से आपको फिर टेक्स्ट पे आना। अब जो आपने आते हैं यहाँ से आपको पेस्ट कर देना। इस प्रकार से पेस्ट कर देने के बाद क्या करना, अब यहाँ से देखिए थोड़ा आपको इस प्रकार से थोड़ा यहाँ बड़ा कर लोगे। देखिए इस प्रकार से बड़ा कर लेने के बाद देखिए आपको नीचे जहाँ आपको पसंद लगे वहाँ पे लगा देना। उसके बाद फ्रंट वाले पर क्लिक करना। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फ्रंट है, जो आपको फ्रंट पसंद आए उस फ्रंट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। मैं चलिए इस फ्रंट को सेलेक्ट करता हूँ। इस प्रकार से कर लेने के बाद देखिए इस तरह आपको कर लेना। देखिए इस प्रकार से कर लेने के बाद आपको ऊपर आना, यहाँ पे कलर वाले पर क्लिक करके, यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं, आपको जो पसंद है यहाँ से कलर को भी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ से कोई कलर ऐड नहीं करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ से ऊपर आता हूँ। यहाँ पे देखने को मिलता है बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको यहाँ से इनेबल कर देता हूँ और यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर भी देखिए आपको जो चाहिए यहां से चूज कर सकते हो। यहां से कर लेने के बाद क्या करना, फिर आपको बैक करना। अब देखिए आपको टैक्स को अच्छा बनाएगा, यहां से इन एनिमेशन पे क्लिक करना और यहां पे देखिए बहुत सारे एनिमेशन है तो आपको लेटर बाय लेटर एनिमेशन को सेलेक्ट करना। देखिए इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। अब इस तरह से देखिए देखने को मिलता है, क्या करना, फिर जहां तक ये बोलता, देखिए यहां तक ये आपका है, यहां तक बोलता। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कितना अच्छा आपको यहां पे देखिए व्यू देखने को मिलता है। ये देखिए एक बार एक बड़े गड्ढे में एक शेर गिर गया। देखिए अब देखिए यहाँ पे दूसरा आपको सुनना है। तभी गड्ढे के पास वाले पेड़ पर बैठा बंदर उसका मजाक बनाने लगा। हाँ देखिए यहाँ पे ये शेर है तो मैं इस पे क्लियर हुआ, यहाँ से मैं शेर वाले को इधर कर दूंगा, बंदर के यहाँ ला दूंगा। अब देखिए तभी बोलता क्या करूंगा हल्के, अब यहाँ से फिर मैं जाऊँगा अपने नोट में, फिर मैं नोट में आया हूँ। यहाँ नोट में आने के बाद देखिए फिर से मैं यहाँ पे बैठ के क्लियर करके मैं यहाँ से जिसको थोड़े वाले पार्ट को यहाँ देखिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से पूरे पार्ट को यहाँ से आपको सेकेंड जो लाइन है इसको यहाँ से आपको कॉपी करना है। देखिए फिर आपको काइंड मास्टर में आना, यहाँ से लेयर पे जाना, यहाँ पे टेक्स्ट पे जाना। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से आपको पेस्ट करना। अब देखिए तो बहुत बड़ा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा आपको पार्ट को कट कर दोगे तो अच्छा लगेगा। चलिए मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे लगा देता हूँ। इस प्रकार से लगा देने के बाद फिर आपको यहाँ पे जाना, सब कुछ फोन हो जाएगा। यहाँ से आपको खाली बैकग्राउंड को यहाँ पे देखिए देखने मतलब इसको यहाँ से इनेबल कर दोगे। अब देखिए यहाँ से कर लेने के बाद फिर आपको इन एनिमेशन पे जाना, यहाँ से आपको फिर वही लेटर बाय लेटर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आप करने के बाद क्या करना, देखिए जहाँ तक ये बोलता है वहां तक यहां पे आपको यहां पे देखना। देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूं कितना अच्छा आपको यहां पे देखने को मिलता है। ये देखिए इसके बाद तो क्या करना, यहां तक ये सच पे यहां से बना प्लस वाले पर यहां पे देखिए बहुत सारे आपको यहां पे देखिए एनिमेशन देखने को मिलता है। टाइम जरूरत यहां पे ऐड कर लोगे लेकिन मैं अभी ऐड नहीं करता हूं। आप देखिए मैं आपको थोड़ा पलर के दिखाता हूं कितना अच्छा आपको यहां पे देखने को मिलता है। ये देखिए एक बार एक बड़े गड्ढे में एक शेर गिर गया।
तभी गड्ढे के पास वाले पेड़ पर बैठा बंदर, अब देखिए बैठा या इसके बाद फिर लेटर पे जाना, फिर यहाँ पे टैक्स वाले पे क्लिक करना, फिर यहाँ से आपको टैक्स वाले पे क्लिक, यहाँ से इसको लगा देना बैठा बंदर, यहाँ पे इसको मैं यहाँ से सभी पार्ट को यहाँ से मैं बंद कर दे, इस प्रकार से कर देना, फिर आपको यहाँ पे आगे एडजस्ट कर देना है, फिर आपको इसी प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए सबको बैकग्राउंड को इनेबल कर देना है, और फिर यहाँ से इन एनिमेशन पर क्लिक करके यहाँ पे लेटर बाय लेटर को आपको यहाँ पे देख लेना है और शेयर कर देना है। इस प्रकार से कर देने के बाद फिर देखिए यहाँ तक मेरा वॉइस है तो यहाँ तक आपको देना, बाकी पार्ट को यहाँ से आपको देखिए इस तरह से कर देना। अब मैं आपको फिर यहाँ से आपको यहाँ पे जहाँ होगा तहाँ आपको आपको एडजस्ट कर देना। इसी प्रकार देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो को, ये देखिए एक बार एक बड़े गड्ढे में एक शेर गिर गया, तभी गड्ढे के पास वाले पेड़ पर बैठा बंदर उसका मजाक बनाने लगा। इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, इसी प्रकार से पार्ट बाय पार्ट आपको रिकॉर्ड करते जाना है, सबको इमेज को एडजस्ट करना है और इस प्रकार से टेक्स्ट को लिख देना है। इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपका एक अच्छा सा वीडियो बन जाएगा। वीडियो बन जाने के बाद यहाँ वाले पर क्लिक करके अब यहाँ से आपको सेव वीडियो पर क्लिक करके यहाँ से आपको वीडियो को सेव कर लेना है, और सेव कर लेने के बाद अब यहाँ से आप क्रिएट करना सीख गए हो, अब आपको जहाँ पसंद हो इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब जहाँ पे भी अपलोड कर सकते हो दोस्तों, बिल्कुल भी आपको अच्छा सा वीडियो क्रिएट करना सीख गए। बाकी उस तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहीं पे बाय।